नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबरें। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी में पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व पार्षद ने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया, जिसमें उन्होंने वाराणसी में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन व केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इस वीडियो में पूर्व पार्षद रवि विश्वकर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था वाराणसी में चरमरा गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है और यहां पर कम से कम उच्च व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा बनारस से। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ा के पुष्पांजलि किया। वो इसलिए किया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना का जो सेकेंड वेव है, उसके वजह से लगातार लोग मर रहे हैं और मरने वालों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, ये देख के मेरे जैसा नौजवान भयभीत है और डरा हुआ है और वो अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। मेरी बात को या मैंने अपने फोटो पर माला चढ़ाया, लोगों को कुछ मजाक लगेगा, लेकिन ये उनको मजाक कहीं नहीं लगेगा जिन्होंने अपने घर के अगल बगल लोगों को मरते हुए देखा है। ये उनको कभी मजाक नहीं लगेगा जो बनारस के हरिश्चंद घाट और मणिकर्णिका घाट पे लाशों की लाइनों को देखा है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, हम बनारस के रहने वाले हैं, बनारस के सांसद हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। जब साल भर पहले कोरोना का फर्स्ट फेज था, तो उस समय जो भी कोई कोरोना का पेशेंट होता था तो घर घर एम्बुलेंस जाके पेशेंट को लाके भर्ती करती थी, लेकिन आज सेकेंड वेव आने के बाद भी कोरोना के पेशेंट दर बदर अपने आप को एडमिट करने के लिए भटक रहे हैं और उनका कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं और वो दवा इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। आज पूरे बनारस में न बेड है, न ऑक्सीजन है, न पर्याप्त डॉक्टर है, न दवाइयां हैं। इसका कारण है कि लोग मर रहे हैं और कोरोना से ही नहीं, कोई एक आम बीमारी से भी अगर कोई ग्रसित है तो उसका दवा इलाज नहीं हो पा रहा है। सुबह सुबह अगर आप अखबार पढ़ें तो अखबार में इतने ज़्यादा टोल फ्री नंबर हैं कि अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, लेकिन जिनके यहाँ अगर पेशेंट आ जा रहे हैं ना, तो नंबर कॉल करते रहिए, नंबर तो पहले लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो सामने वाला बंदा तुरंत दूसरा नंबर देगा, फिर दूसरा बंदा तुरंत तीसरा नंबर देगा। तो ये नंबर नंबर जो चल रहा है ना, जनता सब देख रही है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का ये दायित्व होता है कि वो अपने देवतुल्य नागरिकों का ध्यान दे, जैसे एक राजा अपनी प्रजा का ध्यान देता है, लेकिन आज राजा जनता के बीच शून्य है। इन्हीं बनारस की सड़कों पे, क्योंकि ये वीआईपी शहर है, इन्हीं बनारस की सड़कों पे जो लगातार गाड़ियों का काफिला वीवीआईपी लोगों का हूटर बजाते हुए जाता था, आज वो जनप्रतिनिधि सड़क से गायब है। हूटर किसका बज रहा है? एम्बुलेंस का। उस एम्बुलेंस का हूटर बज रहा है और वो पेशेंट इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दम तोड़ दे रहा है। तो क्या इसीलिए लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना था? बनारस तो अपने आप को भाग्यशाली समझता था कि मैं सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहा हूं। जब हमारे पास समय था साल भर का कि हम अपनी चिकित्सीय व्यवस्था अच्छा करें, दुरुस्त करें, लोगों को इलाज दे, तो उस समय ये भक्त हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे थे। अरे तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ चाहे जो बनाओ, लेकिन पहले लोगों को मरने से तो बचाओ। लोगों की जिंदगी का कोई कीमत नहीं है? जिनके घर के लोग मर गए हैं ये उनसे पूछिए।
अपनी ही तस्वीर पर माला पहनाने का ये आदेश है, ये मेरा आशय है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपनी ही तस्वीर पर माला पहना रहा हूँ, अपनी ही तस्वीर पर माला पहनाने का मेरा आशय है कि आज पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है। जिसके घर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जा रही है वो ये मान ले रहा है कि मेरी तस्वीर पर माला चढ़ जाएगा। मेरी भावना नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ध्यान दीजिए, आप ये इंतजार मत करिए कि लोग लगातार मरे। आप ही जब दिन में लाखों लाख की रैली करते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और शाम को जब टीवी पर ज्ञान देने आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। तो मैं आपकी किस बात को सही मानूं, किस बात का पालन करूं? आज जनता त्राहिमाम कर रहा है, वो खोज रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ है, हमारे राजा कहाँ है। तो समय रहते सभी हॉस्पिटलों में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, दवाइयों की व्यवस्था करें और चिकित्सीय व्यवस्था करें, क्योंकि लोग रास्ते में मर रहे हैं। अभी भी वक्त है, सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बचा लीजिए, नहीं तो आने वाला समय ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब लोग मर रहे थे तो हमारे जनप्रतिनिधि ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान नहीं, ध्यान दीजिए। मैं रविकांत विश्वकर्मा, बनारस से, जय हिंद, जय समाजवाद। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़। नमस्कार।